प्रथम ना तेरमा वचनामृतमा एक प्रश्न छे। नित्यानंद स्वामीए स्वामीनारायण भगवान ने आ प्रश्न पूछ्यो, प्रत्येक देह में एटले के देह देह प्रत्ये जीव एक छे के अनेक छे। आ प्रश्न एटलो व्यापक छे, मनुष्य पूरतो मर्यादित नहीं, पण वृक्ष वनस्पति मात्र मा जीव एक छे के वृक्ष वृक्ष प्रत्ये जुदो, अने अपने नजरे जोईए छे। स्वामी कहे छे के वड पीपर आदिक वृक्षनी डाळखी कापी अने बीजी जग्याए रोपीए छे तो एमांथी वृक्ष थाय छे। तो हवे जे मूळ वड हतो एमां एक जीव हतो, एनी डाळ कापीने बीजी जग्याए वावी अने ए वृक्ष बन्यो, ए शुं समजवानुं? बोलो, ए वड माथी जीव कपाईने आ डाळीमां आव्यो? तो जीव तो अछेद्य छे, कोई दाड़ो कपातो नथी। के बीजा जीवे प्रवेश कर्यो। श्रीजी महाराज बोल्या, जो संतोए महाराज ने केवो प्रश्न पूछ्यो। स्वामीनारायण भगवान कहे छे, महाराजे एमनो उत्तर वेदांतनी परिभाषा मां आप्यो, एटले थोड़ो लंबाण थी आप्यो आ प्रश्ननो उत्तर। भगवाने अनंत कोटी ब्रह्मांडोनी रचना करी, एमां भगवाननी पुरुष अने प्रकृति नामनी बे शक्तिओ ते उत्पत्ति स्थिति ने प्रलय ए चक्र चलाव्याज करे छे, चलाव्याज करे छे, अखंड संभाळ्या करे छे, चौवीस कलाक रात्रि दिवस। आ प्रश्नना उत्तर भाषानी रीते वचनामृतना शब्दोनी रीते समझवो थोड़ो अघरो पड़े, परंतु गलितार्थ ये छे। तो भगवान अंतर्यामीपणे जीव जीव प्रत्ये रहा छे, तो जे जीवने ज्यां जन्म धरवानो कर्म होय ए प्रमाणे भगवान एने फल आपे छे। एटले टूंको अर्थ जवाब ए कि डाळखी कापी अने बीजी जग्याए वावीए एटले भगवाननी अंतर्यामी शक्ति एमां बीजा जीवनो प्रवेश करावे छे, जीव कपातो नथी। आ एक ज प्रश्न ने एक ज उत्तर में वचनामृत पूरु थयुं।